गुड इवनिंग मध्य प्रदेश, मेरा नाम कार्तिक और आप देख रहे हैं खबर टीवी न्यूज। चलिए हम बात करते हैं आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए ग्वालियर जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रविवार की छुट्टी के दिन भी विभिन्न विभागों के दफ्तर खुले और सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर निराकरण अभियान बतौर किया गया। अगली बड़ी खबर है राजगढ़ से, जहां पर कालीपीठ थाना क्षेत्र के ग्राम प्रेमपुरा में रविवार सुबह इमली के पेड़ के नीचे गले में दुपट्टा का फंदा लगा युवक का शव मिला, जो दो दिन पहले खेत में पानी फेरने का बोलकर घर से निकला था। परिजनों ने मामले में नतारा झगड़ा को लेकर चल रही विवाद पर गांव के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। अगली बड़ी खबर है सीहोर से, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत के रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र 18 नवंबर से 25 नवंबर तक किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 26 नवंबर को होगी तथा मतदान 9 दिसंबर 2024 को होगा। अगली बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर इंदौर जिले में बेरोजगारी युवाओं को कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में जिला रोजगार कार्यालय और आईटीआई द्वारा मिलकर 20 नवंबर को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नंदन नगर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों को उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ग्वालियर नगर पालिका निगम के वार्ड 39 के पार्षद पद का चुनाव भी इसी कार्यक्रम के तहत होगा। अगली बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर जिले में मेडिकल स्टोर सहित अन्य दवा एजेंसियों के भंडारों का लगातार निरीक्षण करने के निर्देशन कलेक्टर रुचिका चौहान ने विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इस कड़ी में औद्योगिक निरीक्षण अनुभूति शर्मा द्वारा रविवार को सरकारी बाजार स्थित अक्षर ट्रेडर्स गुप्ता मेडिकल एजेंसी मनन फार्मा का अचूक निरीक्षण किया गया। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा तथा दीन दुखियों का सहारा बना है रीवा का रामकृष्ण सेवा संस्थान। ऐसे संस्थानों से जुड़कर मानवीय गुण जैसे करुणा, दया और परोपकार के भाव विकसित किए जाते हैं। अगली बड़ी खबर है सीहोर से, जहां पर गुदड़ी विधानसभा उप निर्वाचन की मतगणना 23 नवंबर को सीहोर स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी वृंदावन सिंह को मतगणना का प्रभारी बनाया है। अगली बड़ी खबर है नरसिंहपुर से, जहां पर लोक शिक्षक संचालन नयल भोपाल और स्कूल गेम्स रेड फैशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 17 वर्षीय बालक बालिका आयु वर्ग में 5 दिवसीय 68वीं राष्ट्रीय स्थलीय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 के दूसरे दिन रविवार को बालक एवं बालिकाओं की अलग अलग 16 टीमों ने अपना अपना प्रदर्शन दिखाया। दोस्तों, यह थी आज के अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो हमने आप लोगों को सुनाई। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से क्या कुछ नया अपडेट आता है। वह तमाम खबरें हम आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार। बहुत ही जल्द मिलते हैं मध्य प्रदेश के नए अपडेट के साथ।